नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का पहला पार्ट वास्तविक संख्याएं शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहली प्रश्नावली 1.1 करेंगे। तो 1.1 प्रश्नावली करने के पहले हम एक प्रमेय देखेंगे, जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये प्रमेय का है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इस जिसमें आर किसका आर का मान 0 के बराबर या बड़ा होता है और बी के। तो इस प्रमेयिका को समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर किसी भी संख्या को, जैसे अगर 37 है ये, ठीक ना, अगर 37 को अगर 5 से हम भाग करें, ठीक ना, तो हमको पहले भागफल कितना आएगा, 5 × 7 = 35 और घटाएंगे तो ये 2 आ गया, ठीक ना। इसमें सबसे पहले इनको क्या कहते हैं, तो देखिए इसको भागफल बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं, ठीक ना, और इसको भाजक बोलते हैं और इसको भाज्य बोलते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार ये हो गया। और देखिए इसको इंग्लिश में कोशेंट बोलते हैं, ठीक ना, और इसको रिमाइंडर, ठीक ना, और इसे डिवाइजर, और ये डिविडेंड कहलाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये सबका हो गया। इसमें जो प्रमेय का दे रखा है, प्रमेय दिया है, इसमें बोल रहा है यदि मैं किसी संख्या ए को यदि मैं बी से भाग दूं, ठीक ना, तो कुछ शेषफल भी आएगा, तो शेषफल सॉरी भागफल कुछ आएगा, तो भागफल को क्यू से लिखा गया है, ठीक ना, कोशेंट बोलते हैं, तो ये हुआ क्यू, और डिवाइजर को बी, मतलब किसी ए संख्या को अगर बी से भाग दें तो भागफल क्यू प्राप्त होगा और शेषफल हमको आर प्राप्त होगा, ठीक ना, कुछ आर भी हुआ। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक ना, ये होता है, ठीक ना। किसी भी भाग की अगर जांच करनी हो तो इस फॉर्मूले पर रख देंगे तो भाग अपना सही है कि गलत है ये पता चल जाता है, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें भाज क्या है, ए, तो ए लिखा, बराबर भाजक क्या है, बी, और भागफल क्या है, क्यू, और प्लस शेषफल क्या है, तो ये आर है, ठीक ना। तो इस प्रकार यही एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही चीज़ है, लिखा हुआ है कि ए बराबर जो भाज है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। अब इसमें आर क्या होता है, देखिए आर का मान, देखिए इस शेषफल का मान बराबर या जीरो से बड़ा होता है, और कहाँ तक जाएगा, तो इस भाजक से कम रहेगा, तो ये हो गया ये बी। तो इस प्रकार आर का रेंज ऐसे लिखते हैं, ठीक ना, कि शेषफल 0 से लेकर b से कम तक रहेगा, ठीक ना। तो ये रहा, यही प्रमेयिका है। अब देखिए अगर इसमें बात करें, इसमें शेषफल कहाँ तक रहेगा, देखिए शेषफल 0 से बड़ा और बराबर और कहाँ से कम तक रहेगा, तो ये 5 से कम रहेगा, ठीक ना। तो ये प्रमेयिका हो गई। अब प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं। देखिए 1.1 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, तो ठीक ना। तो पहला प्रश्न में है, उसको हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग 135
और 225, ठीक ना। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से करना है, ठीक ना। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए इनमें देखते हैं पहले कौन बड़ा है। देखिए चूंकि 225 225 135 से बड़ा है तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में देखिए इसको भाग करना है, बस जो छोटी संख्या है यहां भाजक बनेगा। इसको मैं यहां लिखते चल रहा हूं, यहां देखिए इसे देखिए 135 भाजक बनेगा और 225 भाज्य बना, ठीक ना। तो इसको विभाजित करते हुए चलेंगे तो देखिए 135 का दो बार पढ़ेंगे तो 270 हो जाएगा, ठीक ना। तो 135 का एक बार ही पढ़ते हैं, देखिए एक बार में 135 माइनस करेंगे तो 0 और 7 9, ये 90 आया, ठीक ना। तो देखिए शेषफल शून्य नहीं आया, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए जैसे अगर किसी भी संख्या 7 को अगर हम 2 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक ना, तो 2 तियाई 6 और एक शेषफल प्राप्त होता है, ठीक ना। तो इसको हम लिखने के लिए लिखेंगे, देखिए इस 7 को लिख सकते हैं 2 × 3 भाजक / भाग फल प्लस शेषफल, ठीक ना। तो ये रहा, इसको जब करेंगे तो 3 × 2 = 6 = 7, तो इस प्रकार ये 7 प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो इसी को ऐसे लिखना है यहाँ पर, तो लिखते हैं 225 को देखिए 135 / 1 और प्लस शेषफल, ठीक ना, शेषफल शून्य नहीं आया। लिखते हैं यहाँ पर चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, ठीक ना। तो यदि शून्य नहीं है तो इसको हम आगे करेंगे, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए जो शेषफल है वो अब भाजक बनेगा और जो पहला भाजक है यहाँ भाज्य बनेगा, तो 135 हुआ। अब 90 के पौना में दो बार में 180 प्राप्त हो जाएगा, तो 180 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार लेके चलते हैं तो 90, इस प्रकार ये आया 45, ठीक ना। तो देखिए अभी भाग किया तो 45 आया, शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हुआ। तो इसके आगे फिर भाग करेंगे तो इसको पहले इस स्टेप को लिख लेते हैं। देखिए ये भाज्य है, अब भाज क्या होता है, भाजक / भाग फल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ इसको लिखते हैं 135 बराबर 90 × 1 प्लस 45, ठीक ना। अब चूंकि शेषफल नहीं, 0 नहीं आया तो लिखते हैं यहाँ पर शेषफल बराबर 0 के नहीं है। अगर नहीं है तो हम इसको आगे फिर भाग करेंगे तो जो शेषफल है वो भाजक बनेगा और जो पहले वाला, इसके पहले जो भाजक था वो यहाँ भाज्य प्राप्त लिखेंगे। अब 45 का पौना पढ़ेंगे तो 45 × 90 हो गया, इस प्रकार ये शेषफल शून्य आ गया। लिखते हैं यहाँ पर देखिए 90 को लिख सकते हैं 45 × 2 और प्लस शेषफल शून्य आया। तो लिखते हैं चूंकि शेषफल बराबर शून्य प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो और शून्य प्राप्त हो गया तो अब यहीं पर रुक जाएंगे और जो अंतिम भाजक है वही इन दो संख्याओं का महसा होता है, तो इसको लिख लेते हैं। तो देखिए लिखा है एचसीएफ लिखा है, तो लिखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो अंतिम भाजक है तो 45। तो इस प्रकार दो संख्याओं का एचसीएफ 45 प्राप्त किया और भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो अब प्रश्न नंबर 1 का दूसरा करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का दूसरे में है 196 और
38,220, ठीक ना, 38,220 इसको भाग करना है। तो देखिए, चूंकि 38,220 बड़ा है 196 से, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम रिदम से, ठीक ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम भाग कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जो चीज़ छोटा है भाजक बनेगा और जो चीज़ बड़ा है वो भाज बन गया, ठीक ना। तो भाग करेंगे तो देखिए, सबसे पहले यहाँ 382 ले लेते हैं, तो अगर 196 का डबल करेंगे, ठीक ना, देखिए ये लगभग 200 है, ठीक ना, इसका दो गुना करूँ तो लगभग 400 आ जाएगा, ठीक ना। तो 400 आ जाएगा, तुमको 382 ही चाहिए, तो ये एक बार ही पहाड़ा में जाएगा। तो लिखते हैं एक, और ये यहाँ 196। अब इसको माइनस करते हैं, ये हो गया 186 प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब ये दो उतार लेते हैं, यहाँ पर दो आ गया, तो ये हो गया 1862 हो गया ये, ठीक ना। और यहाँ है 196, ठीक ना, लगभग 200 के लगभग, ठीक। अगर 200 लगभग 200 लेकर, ठीक ना, अगर 8 बार करूँ तो ये आ गया 1600, ठीक ना। तो 1600 और 1700 लगभग कम है, अभी ये 1600 कम है, तो एक बार 9 बार लेके देखिए। तो अगर 200 में 9 का करेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक ना, तो लगभग 1800 आ रहा है। तो इसको एक बार 9 बार लेके देखते हैं, और अगर अगर ज़्यादा आ जाएगा तो एक बार 8 बार लेके चल लेंगे। 196 गुणे 9, तो 9 × 54, ठीक ना, 9 × 9 = 81 और 81 में 5 तो 86, और 9 × 1 = 9, तो ये हो गया 1764 आ गया। तो 1764 ठीक है, तो लिख लेते हैं 9 बार में गया, ये हो गया 1764, और माइनस कर लेते हैं तो 8 × 4 = 1, 9 हासिल 1, ये 98 आ गया, ठीक ना। और इसको एक जीरो उतार लेते हैं, ये जीरो उतर गया, तो इस प्रकार 980 हो गया। अब 196 है, 196 में 19 × 5 = 95 होता है, ठीक ना, 19 × 5 = 95, लगभग ये 5 बार में जाएगा। तो 5 × 6 = 30, 45 × 3 = 48, ये हो गया 980। तो इस प्रकार ये 5 बार में पूरी तरह देखे विभाजित हो गया, ठीक ना, तो ये चला गया। तो इसमें लिखेंगे 38,220 बराबर 196 × 195 प्लस 0। तो देखिए यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, बराबर 0 आ गया, ठीक ना। तो इसीलिए लिखेंगे, अतः 196 और 38,220 का एस सी एफ बराबर, ये जो भाजक होता है जिसके कारण जीरो आया वही इसका एस सी एफ हो जाता है, तो हो गया 196। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा भाग में इसमें क्या है। तो इसमें लिखा है, यही कर लेते हैं, थर्ड नंबर 867 और 255, तो इसको देख लें। चूंकि 867 ज़्यादा है 255 से, तो लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका भी बोलते हैं, लिख सकते हैं, रिदम से। तो देखिए भाग कर लेते हैं यहीं पर, एट सिक्स सेवन को 255 से भाग दे रहे हैं, तो इसको 255 मतलब 250 लगभग है। देखिए 255 में 3 का गुणा कर लेते हैं, 3 × 2 = 6, 255 में 3 का गुणा करते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 16, 3 × 2 = 6 = 7, और
चार बार पढ़ते हैं तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 4 दुनिया 8 9 10, चार बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार लेके जाते हैं, तो 3 बार में 765 और घटाएंगे तो 201, इस प्रकार 102 आया, ठीक ना। शेष फल 0 नहीं आया तो इसको लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102, शेष फल 0 नहीं आया तो इसके आगे हल करेंगे इसको, तो लिखेंगे शेष फल बराबर 0 की नहीं है, ठीक ना, तो इसका आगे फिर करेंगे। ये शेष फल जो है वो भाजक बन जाएगा और जो इसके पहले का भाजक है वो भाज्य बन जाएगा 255। अगर इसमें 2 बार पढ़ें 2 बार में चला जाएगा, है ना, 102 दुनी 2 दुनी 4, 2 एक कम 2, तो 5 में 4 गया 1 और ये 51 आ गया, ठीक ना। अभी शेष फल 0 नहीं आया तो इसको लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51, ठीक ना, भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष फल। अब इसमें भी देखिए शेष फल 0 नहीं आया तो इसको आगे करेंगे जब तक ये शेष फल 0 न प्राप्त हो जाए, तो ये 51 करेंगे और इसको 102, ठीक ना, जो शेष फल है वो भाजक बनेगा और इसके जस्ट पहले वाला भाज्य बनेगा, तो 51 दूनी 102 हो गया, तो ये शेष फल 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। अब चूंकि शेष फल बराबर 0 हो गया आ गया, तो इसमें देखिए जो अंतिम भाजक होता है वही मसह होता है, तो लिख लेंगे अतः 867 और 255 का SCF बराबर 51, ठीक ना। तो इस प्रकार पहला प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक ना। तो इसको देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो इसमें देख लीजिए, मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6, ठीक ना, वहाँ 6 लिखा हुआ है, 6q+1 में है, ठीक ना, b, ये लिख लिया b बराबर 6, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख लेते हैं, प्रमेयिका से, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए क्या होता है, देखिए ये होता क्या है, a बराबर PQ+R होता है, ठीक ना। तो a और b का मान कितना लिए हैं, 6, तो यहाँ लिख लेंगे a बराबर 6Q+R। अब ये शेष फल r है वो कहाँ से कहाँ होता है, r देखिए होता है r 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और कहाँ तक, भाजक से कम, तो भाजक से कम कितना हो जाएगा, तो यहाँ भाजक 6 है तो 6 लिख लेंगे, ठीक ना। और इसके लिए यहाँ लिख दें r बड़ा है बराबर है 0 से और छोटा है, ये रहा भाजक, तो भाजक ये मतलब b से कम होगा, ठीक ना। अब देखिए 0 मतलब 6 से कम मतलब 0 से लेकर 5 तक, तो इसमें हम मान रख लेते हैं, देखिए r बराबर 0 हो सकता है, r बराबर 1 हो सकता है, r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4 और r बराबर 5, ठीक ना। तो इनको रखने पर देखिए क्या क्या बनेगा ये, तो पहला r बराबर 0 पर देखते हैं, देखिए a बराबर 6q+0, है ना, r का मान 0 रख लिए, तो इस प्रकार a बराबर 6q आ गया, ठीक ना। अब देखिए r बराबर 1 रखने पर, नीचे ऐसे रख लेते हैं, r बराबर 1 रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला पद a बराबर 6q+1 आ गया, ठीक ना। फिर इसी प्रकार r बराबर 2 रखने पर तो हो जाएगा a बराबर 6q
प्लस टू और r बराबर थ्री पर a बराबर सिक्स क्यू प्लस थ्री, ठीक ना। इसी पर r की वैल्यू रखते जा रहे हैं, देखिए आ गया। इसी प्रकार r बराबर फोर रखने पर a बराबर सिक्स क्यू प्लस फोर और हो गया ये r बराबर फोर हो गया फाइव रखने पर, तो जाएगा a बराबर सिक्स क्यू प्लस फाइव। तो हमको क्या मिला, a बराबर सिक्स क्यू, a बराबर सिक्स क्यू प्लस वन, a बराबर सिक्स क्यू प्लस टू, a बराबर सिक्स क्यू प्लस थ्री, a बराबर सिक्स क्यू प्लस फोर और a प्लस फाइव, ठीक ना। इस प्रकार ये सबका r का मान रखने पर आ गया। अब देखिए पहले वाले को लिखेंगे, अब देखिए लिखा है a बराबर सिक्स क्यू प्लस वन, ठीक ना, ये चीज़ लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं दो गुणे थ्री क्यू प्लस वन, ठीक ना, तीन दूनी छः, ये तो वापस आ जाएगा। अब इसमें लिख सकते हैं टू एम वन प्लस वन, एम वन लिखिए चाहे के वन लिखिए, जिसमें जो इच्छा वो लिखिए, के वन लिखना है तो के वन लिखिए। तो देखिए ये हो गया, और जहाँ के वन बराबर क्या हो गया थ्री क्यू, ठीक ना, इस थ्री क्यू के स्थान पर हम के वन रख दें तो टू के प्लस वन आ जाएगा। अब देखिए इसमें a बराबर सिक्स क्यू प्लस थ्री को देखते हैं, ठीक ना, इस वाले को, तो देखिए ये लिख सकते हैं हम दो गुणे थ्री क्यू, ठीक ना, तीन दूनी छः क्यू, और इसको लिख सकते हैं टू प्लस वन, दो और एक तीन आ जाएगा। तो इसमें देखिए इन दोनों पदों में दो दो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो इसमें दो हम बाहर निकाल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा थ्री क्यू प्लस वन, इसमें से वन टू चला गया तो वन बचा, यहाँ टू चला गया तो केवल थ्री क्यू बचा और प्लस वन। तो देखिए इसके स्थान पर हम के टू लिख लेते हैं, ठीक ना, तो लिख सकते हैं दो टू के टू प्लस वन, तो लिखेंगे जहाँ के टू बराबर थ्री क्यू प्लस वन हो गया, ठीक ना, मान लिए तो ये टू के टू प्लस वन आ गया। इसी प्रकार a बराबर सिक्स क्यू प्लस फाइव लिख लेते हैं, ठीक ना, तो फाइव को लिखेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, दो गुणे थ्री क्यू प्लस फोर प्लस वन लिख सकते हैं इसको, ठीक ना, फोर लिख लिया। तो इसमें देखिए इसमें उभयनिष्ठ निकल जाएगा दो दो, तो इसको लिख सकते हैं दो गुणे थ्री क्यू प्लस टू प्लस वन, ठीक ना, इनमें अगर कॉमन निकल गया तो यहाँ टू बचा और इनमें निकल गया तो थ्री क्यू बचा, इस प्रकार ये हो जाएगा दो के थ्री प्लस वन, जहाँ के थ्री बराबर थ्री क्यू प्लस टू, ये मान लिए तो इसके स्थान पर टू के प्लस वन आ गया। तो देखिए ये आ गया 2k 1 प्लस वन, 2k प्लस वन, 2k प्लस वन, 2k प्लस वन, ठीक ना। अब देखिए इसमें यदि कोई भी संख्या, अगर सम संख्या को दिखाना हो, सम संख्या का व्यंजक अगर दिखाना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2n, ठीक ना, या किसी भी चर में लिख सकते हैं, 2n भी लिख सकते हैं, 2k भी लिख सकते हैं, ठीक ना, 2n। मगर इस प्रकार अगर संख्या का रूप लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं कि ये सम संख्या को दिखा रहा है, ठीक ना, मतलब अगर आप n के किसी भी मान को यहाँ रखिए तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो सम संख्या को दिखाएगा। जैसे हम इसको ही देख लेते हैं, अगर मैं m का मान एक रख दूँ तो देखिए क्या आया, टू दो एक कम दो, ये सम संख्या है। इसी प्रकार अगर m बराबर दो रख दें तो दो गुणे दो बराबर ये चार, तो ये सम संख्या प्राप्त हो गई, ठीक ना। तो 2m 2n कुछ भी रख दें, दो के संग अगर कोई भी संख्या रख दें यंग, और m के किसी भी मान के लिए ये वाला सम संख्या को, सारी सम संख्या को दिखा रहा है। इसी प्रकार अगर विषम संख्या को ज्ञात लिखना हो तो 2m प्लस वन, ठीक ना, इसको विषम संख्या को दिखाता है, विषम संख्या है। अब इसमें आप m के कोई भी मान रखिए, आपको जो भी संख्या प्राप्त होगी विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे
m बराबर 1 रख लें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 1, मतलब 2 एकम 2 और 1 3 प्राप्त हो गया। तो 3 विषम संख्या है। इसी प्रकार m का मान 2 रख लें, m बराबर 2 रख लें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 1 5 आ गया। तो देखिए m मतलब 5 आ गया, तो विषम संख्या है। तो इस प्रकार अगर इस रूप में कोई चीज़ लिखी हो तो ये विषम संख्या के समूह को प्रदर्शित करता है और ये सम संख्या के संख्याओं को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार देखिए हमारा जो आया ये देखिए 2k+1, ये 1k 2k 3 अलग अलग लिखा है बस, तो लिखे हैं 2k+1 2k+1 2k+1। इस प्रकार ये संख्या विषम संख्या को प्रदर्शित कर रहा है और हमको यही चीज़ सिद्ध करना था, ठीक ना। तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं, लिखेंगे यह स्पष्ट है कि 6q+1 6q+3 और 6q+5 ये 2k+1 के रूप का है, ठीक ना, जहाँ k कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, ठीक ना। अतः 6q+1 6q+3 6q+5 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं होंगे, ठीक ना। अगर 2 से विभाजित नहीं होंगे तो ये विषम संख्या है। तो लिख लेते हैं इस प्रकार, देखिए जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। अब देखिए लिखेंगे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन या सिक्स क्यू प्लस थ्री या सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक ना। तो इस प्रकार इसको लिख देंगे और ये प्रश्न नंबर 2 का सिद्ध हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि कुल आर्मी वाले 616 सदस्य हैं, ठीक ना। ये 616 सदस्य हो गए और आर्मी कितने बैंड वाले कितने, आर्मी बैंड के सदस्य कितने हैं, देखिए आर्मी बैंड वाले 32 लोग हैं, ठीक ना। अब देखिए परेड करना है तो अगर देखिए इनको पहले कितने स्तंभों में सजाया जा सके, देखिए अगर मैं इसको चाहें तो पहले 32 स्तंभों में सजाया जा सकता है। तो स्तंभ का मतलब था कॉलम, ठीक ना, ऐसे ऐसे। तो हमने मान लिया एक ये रहा, एक स्तंभ ये रहा, 3 4 5 6 इस प्रकार 10 20 30 32, है ना, कुल 32 स्तंभ लगा लीजिए, ठीक ना। तो ये रोमन में ना होता, ये 1 है 2 है 3 है 4 5 6 और ये 32वां स्तंभ है। मतलब हम मान लिए कि केवल हमने या कह सकते हैं 32 स्तंभ ही, मतलब 32 कॉलम ही बना लिया,
और सबको हर आर्मी बैंड को एक यहाँ लगाया, एक यहाँ, इस प्रकार 3200 को इस प्रकार लगा लिया। अब हम इन 616 सदस्यों को इस प्रकार अरेंज करेंगे, ठीक ना, कि जैसे अगर कॉलम, जैसे पहला कॉलम है, पहले कॉलम में स्तंभ कहते हैं इसको, पहले स्तंभ में मान लिया यहाँ चार सदस्य हैं, है ना, इसके चार सदस्य हैं, तो यहाँ भी चार, यहाँ भी चार, सभी में चार चार सदस्य होंगे, ठीक ना। तो ये हो गया चार सदस्य, तो एक दो तीन एक चार, ये चार सदस्य हो गए। इसी प्रकार अब हमको सबों में चार चार सदस्य लगाने होंगे, ठीक ना, मतलब जितने भी स्तंभ हैं सब में जो भी सैनिक हैं वो समान संख्या में होने चाहिए। तो चार सैनिक अगर पहले स्तंभ में हैं तो दूसरे स्तंभ में भी चार होने चाहिए, तीसरे में भी चार होने चाहिए, और इस प्रकार 3200 स्तंभों में चार चार सैनिक होने चाहिए, ठीक ना। अब आप तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये 32 सैनिक 32 ये आर्मी बैंड के थे, तो हम एक से लेकर एक दो तीन चार पाँच छः इस प्रकार यहाँ 16 हम बैंड को लगा लें, है ना, 16 बैंड मतलब 16 आदमी ऐसे लग गए। अब फिर 17 18 19 20 19 20 और इस प्रकार ये 32, है ना, मतलब हम बैंड का देखिए हम 16 16 स्तंभ बना लिए, है ना, 16 स्तंभ बनाए और इनकी दो पंक्ति लग गई, कुल तो 32 वाले हैं ना, तो पहले इसमें देखिए 16 लग गया और ये 32, मतलब 16 16 है। तो इस प्रकार हमने 16 16 का स्तंभ बनाया, तो 16 स्तंभ है तो हमको दो पंक्ति की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना, इधर से पंक्ति कहलाती है, तो एक पंक्ति दो पंक्ति अब हमने अरेंज कर लिया। अब हमको यहाँ सैनिकों की संख्या अगर लगानी हो तो अगर मैं यहाँ तीन तीन सैनिक लगाऊँ, ठीक ना, सॉरी चार हो गया, तीन तीन लगाता हूँ, तो इस कॉलम में तीन सैनिक, तो यहाँ भी तीन, यहाँ भी तीन, यहाँ भी तीन, मतलब पूरे 16 कॉलम में तीन तीन सैनिक को लगाना होगा। अगर मैं पाँच छः लगा लूँ, देखिए दो दो चार पाँच, पाँच पाँच लगाऊँ, तो प्रत्येक कॉलम में मुझे पाँच पाँच सैनिक लगाने होंगे, ठीक ना। और चाहें तो ये बैंड को और भी कम स्तंभ लगा सकते हैं, तो देखिए 32 है तो मैं यहाँ चाहूँ तो 8 8 का भी लगा सकता हूँ। देखिए ये समय में आ गया, तो इसको हटा देते हैं, तो देखिए ये रहा, अगर मैं यहाँ 8 8 लगा दूँ, देखिए एक है, एक दो, एक दो से थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, एक लगाया, एक दो तीन चार पाँच छ सात एक आठ, ठीक ना, आर्मी बैंड के 8 लोगों को इस 8 स्तंभ में लगा लिया। अभी और भी बचे हैं 8, तो यहाँ भी एक लगा लिया नीचे, एक, इस प्रकार ये 8 हो गए, आर्मी वाले भी 8 हो गए, तो 8 8 16 हो गया, ठीक ना, 8 के 8 8 2 16, ये 8 3 24 और ये 8 4 32, मतलब चार पंक्ति लग गई इनकी, है ना। अगर मैं 8 स्तंभ बनाऊं तो चार पंक्ति में आर्मी वाले यूज हो जाएंगे, है ना, सभी लोग आ गए। अब मैं इसके अंदर 616 आर्मी वालों को इन्हीं स्तंभ के नीचे लगाना है, तो अगर इसमें पहले स्तंभ में 10 10 लगाऊं या 8 8 लगाऊं, तो अगर मैं यहाँ 8 लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस पहले स्तंभ में अगर 8 सैनिक लगे हैं तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, इस प्रकार हमको लगाने हैं, ठीक ना। अब इसका आगे 8 ऐसे जितना चाहें उतना, मगर बराबर संख्या सब में लगानी है, ठीक ना। तो 8 8 स्तंभ में लगाएं तो हो गया। इसी प्रकार अगर हम चाहें तो 4 4 वाला लगा सकते हैं, आर्मी वाले शुरू के 4, इसके नीचे 4, जितने 32 हो जाएंगे, तो 32 हो जाएंगे, इसके आगे हमको जितने भी यहाँ सैनिक लगाने होंगे, ठीक ना, तो ये जितने भी होंगे सभी चारों स्तंभों में सैनिकों की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक ना। तो ये हो गया, तो इन्हीं को पता करना है कि हम अधिकतम कितने स्तंभ बनाएं ताकि ये 616 सदस्य पूरी तरह अरेंज हो जाएं, है ना, प्रत्येक कॉलमों में सदस्यों की संख्या समान आ जाए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम 616 और 32 का मसय ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या तो कैसे ज्ञात होगी, 616 एवं
32 का महसा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। तो महसा ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं या तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या प्रयोग करके, ठीक ना। तो देखिए हम इस बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर ले रहे हैं, आप इसको गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो हम इसको देखिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसमें लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिदम, ठीक ना। तो प्रमेय का से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या हो जाएगा, देखिए जो इसमें बड़ा है वो यहां भाज्य बनेगा और जो छोटा है वो भाजक बनेगा। तो 32 से पहले 61 को देखिए भाग करेंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 से कम 32 कर लिया, तो घटा दीजिए तो कितना आया, 9, 2, 11, 1, 3, 4, 2, 29 आ गया। अब इस 6 को यहाँ रखेंगे तो 296 हो गया। अब 32 के पाना में अगर 8 बार देखें, 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 25, 256 आ रहा है। तो एक बार 9 बार देख लेते हैं, 9 दूनी 18 हासिल है, 9 3 27 1 28, तो देखिए इसके करीब आ गया, यही होगा ही, तो 9 से ले जाते हैं तो ये आ गया 288। तो इस प्रकार जब इसको घटाएंगे तो 8 8 16, तो 8 आया, मतलब शेष फल शून्य नहीं आया। तो इसको लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8, यहाँ लिखेंगे चूँकि शेष फल शून्य नहीं है तो जो भी शेष फल आया है वो भाजक बनेगा और जो इसके पहले का जो भाजक है वो यहाँ भाज्य हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको भाग करेंगे तो देखिए 8 चौक 32, तो शून्य शेष फल शून्य आ गया, जो अंतिम भाजक होता है वही महसा हो जाता है। लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, चूँकि शेष फल शून्य आ गया तो लिखेंगे अतः ये चाहे है ना स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ये हो गया 8, ठीक ना। तो इस प्रकार 8 स्तंभ हो गए। तो प्रश्न नंबर 3 हो गया, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक ना। इसमें संकेत भी लिखा हुआ है, मान लीजिए यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम लिख लेते हैं। पहले प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और बी बराबर 3 है, ठीक ना। बी बराबर 3 ले लेते हैं तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें R कहाँ से कहाँ तक होता है, R बड़ा या बराबर 0 से और इस भाजक से कम, ठीक ना। तो यहाँ पर B बराबर 3 लिए हैं तो लिख सकते हैं A बराबर 3Q प्लस R। तो R का मान कहाँ से कहाँ तक, 0 बराबर 0 या बड़ा 0 और कहाँ तक, 3 से कम, ठीक ना। तो इस प्रकार R का मान देखिए क्या क्या हो जाएगा, R बराबर 0, 1 और 2 आ जाएगा, ठीक ना। 3 से छोटा है तो 2 होगा, 3 तो होगा नहीं, बराबर होता तो 3 के बराबर होता। तो अब लिखा है 3m और 3m प्लस 1 के रूप का करना है, ठीक ना। तो लिखेंगे स्थिति 1, पहली स्थिति में देखिए
जब r बराबर शून्य हो। तो देखिए क्या हो जाएगा, r बराबर शून्य पर a बराबर 3q प्लस शून्य। तो देखिए क्या प्राप्त हुआ, a बराबर 3q आया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखिए दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3q² ऐसे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9q². तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q², है ना, 3 × 9 सेम चीज़ है। अब देखें यहाँ पर 3q² को हम m मान लेते हैं, ठीक ना। तो ये जाएगा जहाँ m बराबर 3q² ले लिया, है ना। तो ये हो गया। अब दूसरा स्थिति देखते हैं, दूसरे स्थिति में है यहाँ लिख लेते हैं इसमें यहाँ से, ठीक ना। तो लिखेंगे स्थिति दूसरी, जब r बराबर 1 हो तो a बराबर 3q+1, ठीक ना। यहाँ r का मान 1 हो गया तो ये प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर तो लिखेंगे, देखिए दोनों पक्षों में वर्ग कर लेते हैं, ये हो गया और 3q+1 का स्क्वायर हो गया। तो ये तो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ x प्लस वाई के का घात 2 का फॉर्मूला लगेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए x प्लस वाई के घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। तो यहाँ रख लेते हैं इसमें, तो देखिए ये हो जाएगा, ये रहा x और ये रहा y। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x ये y आ गया। तो देखिए इसको करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 1 प्लस 3 × 6q, ठीक ना। एक को उधर कर लेते हैं, थोड़ा अरेंजमेंट कर लें, तो ये जाएगा 9q² प्लस 6q+1। अब देखिए इसमें तीन उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 अगर बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 × 9, है ना, 3 × 9, और यहाँ बचेगा 2, तो ये हो गया 2q+1, ठीक ना। इसका कोष्टक खोलेंगे तो ये चीज़ वापस प्राप्त हो जाएगी। तो अब इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3m+1। तो देखिए जहाँ, ठीक ना, इसको पूरा हमने m मान लिया, जहाँ m बराबर 3q² + 2q, ठीक ना, इसके स्थान पर हमने m मान लिया तो 3m+1 आ गया। तो देखिए इस प्रकार 3m और 3m+1 के रूप का प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। तो देखिए लिखा है दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए ये संख्या का वर्ग, देखिए लिखा है का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, तो 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक ना। तो इसमें तीसरी स्थिति r बराबर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, हमको 3m+1 तक ही दिखाना था तो हमने दिखाया। और फिर लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक ना। तो ये सिद्ध हो गया, तो प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो देखिए इसको दिखाते हैं। देखिए
प्रश्न नंबर 5, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर 3 ले लेते हैं, 3 है ठीक ना, तो इससे क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आर कहाँ से कहाँ होता है, 0 के बराबर या बड़ा और इससे भाजक से छोटा। अब बी का मान 3 रख देते हैं तो ए बी का मान 3 हो गया और प्लस आर, तो इसमें आर कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 से छोटा ठीक ना, तो इसमें स्थिति क्या क्या बनती है, देखिए r बराबर 0, 1 और 2 ठीक ना, 3 से छोटा। अब लिखते हैं स्थिति 1, जब r बराबर 0, तो r बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ r का मान 0 हो जाएगा, तो 3q + 0, तो ये हो गया a बराबर 3q। अब देखिए दोनों पक्षों का घन कर लेते हैं, घन बोला है तो घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन करेंगे देखिए क्या जाएगा, a का क्यूब प्लस बराबर 3q का घन, तो देखिए 3q का घन करें तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस बराबर, देखिए ये 3 को 3 बार करेंगे मतलब 3 × 9 = 27, तो ये हो गया 27 q का क्यूब हो गया, तो देखिए इसको लिख सकते हैं a का क्यूब बराबर इसको 9 × 3 क्यूब ऐसे लिख सकते हैं ठीक ना, तो ये लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 9m है ना, इसके स्थान इसको पूरा m मान लेते हैं, तो जहाँ m बराबर 3q है ना, q के घात 3 हो गया, तो पहली स्थिति में यार 9m आ गया। अब देखिए दूसरी स्थिति में देखते हैं तो क्या लिखा है, दूसरी स्थिति में लिखते हैं देखिए हैं स्थिति 2, जब r बराबर 1 हो, तो देखिए क्या होगा, a बराबर ये हो गया 3q + 1। अब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन करेंगे तो जगह a के घात 3 और 3q + 1 के घात 3, तो इसमें देखिए इसके लिए घात 3 वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x प्लस वाई के घात 3 का फॉर्मूला होता है x के घात 3 प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³ ठीक ना, तो इसमें देखिए ये x है और ये y है, इस पर खोलेंगे इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ये रहा a क्यूब, देखिए a क्यूब बराबर यहाँ x क्यूब है तो 3 के घात 3 लिखेंगे यहाँ पर प्लस 3x² मतलब 3q² और y 1 प्लस 3x है 3q प्लस y कितना है गुणे y है तो गुणे y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर y का घात 3 मतलब 1 के घात 3 हो गया, तो देखिए इस प्रकार है a क्यूब बराबर ये होगा 3 × 3 मतलब 3 × 9, 9 × 27 तो 27³³ ये होगा देखिए 3 × 9, 9 × 27³² प्लस देखिए 3 × 9, 9³ प्लस 1 को 3 बार गुणा करेंगे तब भी 1 ही प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार इसमें देखिए यहाँ पर इसमें 9, 9, 9 उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो यह 9 बाहर तो यह 9³²
और 9 3 27 प्लस 9 1 9 मतलब केवल क्यू बच जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो इस प्रकार इसको देखिए लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर 9m+1, ठीक ना। जहाँ इसको पूरा यम ले लिया हमने, जहाँ यम बराबर 3q³, 3q² + q हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें तीसरी स्थिति बनती है, स्थिति थर्ड, जब r बराबर 2 हो जाए। तो यहाँ रख लेते हैं r बराबर 2, तो जगह a बराबर 3q+2। अब दोनों पक्षों का घन करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन कर लेते हैं। देखिए ये आया ए क्यूब 1³ और ये हो जाएगा 3q+2³। तो इसमें यही वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, ठीक ना। यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर, ये हो गया x³+3x² तो जाएगा 3q² / y। देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, y है 2+3, अब देखिए लिखा है x y² तो x ये रहा और y² मतलब 1² है ना, y यहाँ 2 है, सॉरी 2 है, 2² प्लस y³ मतलब यहाँ पर y का क्यूब 2 है, तो 2³ प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो अब लिखते हैं a क्यूब बराबर, देखिए 3 को 3 बार मतलब 3 3 9 9 3 27, तो 27 q³ प्लस ये हो गया 3 2 6 और 3 3 9 9 6 54 q² प्लस, देखिए 2 2 4 और 3 3 9 9 6 36 q+ 2 2 4 4 2 8 आया। इस प्रकार देखिए इन समूह में 3 3 3 उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ बाहर निकाले थे 9 9 9, उभयनिष्ठ निकाल लिए तो 9 3 27 q³ 9 6 54 और 9 4 36 प्लस 8। अब देखिए इसके स्थान पर हम इसको यम मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m+8, जहाँ यम बराबर 3q³ 6q² + 4q मान लिए, तो इस प्रकार ये आ गया। तो देखिए किसी भी संख्या का घन, देखिए 9m+1 या 9m+8 के रूप में आ गया, लिखेंगे अतः, क्या लिखा है इसमें, अतः अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्रश्न सिद्ध हो गया, प्रश्न 5 हो गया। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई।